नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने कमेंट करके यह जानना चाहा है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन क्यों नहीं कहा जाता, जबकि यहां से ट्रेनें आगे नहीं जाती हैं, वह यहीं से टर्मिनेट हो जाती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हावड़ा रेलवे स्टेशन को टर्मिनल रेलवे स्टेशन क्यों नहीं कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आप सभी का कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक जिस स्टेशन से ट्रेनें टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि वहां से आगे जाने का रास्ता नहीं होता है, उसे टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जो कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए परफेक्ट बैठता है। फिर भी इसे टर्मिनल नहीं कहा जाता। इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको दो फैक्ट के आधार पर देंगे, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके, जिसमें पहला है टेक्निकल और दूसरा है हिस्टोरिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल फैक्ट्स की। दोस्तों, हावड़ा रेलवे स्टेशन को नियम के मुताबिक टर्मिनल स्टेशन के कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन भारतीय रेलवे के नियम में एक बातें और कही गई है कि ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर दो या दो से अधिक अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले रूट आकर मिलते हों, या फिर जिस रेलवे स्टेशन से ट्रैक्स दो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाती हो, ऐसे रेलवे स्टेशन को जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, हावड़ा रेलवे स्टेशन से रूट दो अलग अलग डायरेक्शन हावड़ा दिल्ली लाइन और हावड़ा संतरागाछी भुवनेश्वर लाइन में बढ़ जाती है। इसके अलावे हावड़ा से कोलकाता के लिए भी लाइन गई है। सो टेक्निकली देखा जाए तो नियम के मुताबिक हावड़ा रेलवे स्टेशन को जंक्शन भी कहना चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टेक्निकली हावड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन और टर्मिनल दोनों है। लेकिन दोस्तों, बात की जाए अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, तो हावड़ा रेलवे स्टेशन एक जंक्शन के रूप में जाना जाता है। 1847 में जब ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने तत्कालीन राजधानी कोलकाता में हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलफील्ड रानीगंज के लिए रेलवे लाइन डाली थी, उस टाइम हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज नहीं था। तब यात्री लोग कोलकाता से हावड़ा नदी के रास्ते आते थे। इस प्रकार हावड़ा रेलवे स्टेशन रेल मार्ग और जल मार्ग दोनों का एक जंक्शन पॉइंट बन गया था। इसीलिए शुरू से ही इसे जंक्शन स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि नियम के मुताबिक जहां पर दो अलग अलग रास्ते आकर मिलते हैं, उन्हें जंक्शन कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हावड़ा रेलवे स्टेशन को टर्मिनल क्यों नहीं कहा जाता, जबकि यहाँ पर ट्रेनें आकर टर्मिनेट हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।